वीडियो होगी वही सक्सेसफुल होगी। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं और उसमें व्यूवर्स वगैरह नहीं है तो फिर वो वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वीडियो को रैंक करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये यूट्यूब का चैनल है खान भाई के नाम से, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पर वीडियोस अच्छी अच्छी शेयर करता रहता हूँ, यूट्यूब से रिलेटिव हो, इंटरनेट से रिलेटिव हो, फ्री इंटरनेट, कंप्यूटर ट्रिक्स और इसके अलावा बहुत सारी मालूमती ट्रिक्स इस पर मैं शेयर करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे जो मेरी हौसला अफज़ाई होती है। बराए मेहरबानी आप यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। तो मैं यूट्यूब पे जो होम मेन्यू है उस पे आता हूँ, यूट्यूब के होम पे, और इसके बाद कोई वीडियो में अपलोड करता हूँ। ओके, तो मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, अपलोड। मेरी प्राइस ये अनलिस्टेड की हुई है, मैं इसे जो है फ़िलहाल अनलिस्टेड में ही रखता हूँ और फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर वीडियो। ओके, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और डाउनलोड करता हूँ। ओके, तो ये अपलोडिंग हो रही है और अब आपने क्या करना है कि सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें आपने अपने फेसबुक का पेज देना है, अपनी फेसबुक की आईडी वगैरह जो भी आप इसमें दें। मैंने जो है फेसबुक का पेज दिया हुआ है, फॉलो मी ऑन गूगल प्लस उस ये भी दिया हुआ है, और इस पे मैं जो अपने ट्विटर का जो है वो भी मैं इसमें लिंक दे देता हूँ। ट्विटर पे आता हूँ और ट्विटर पे जाने के बाद अपने अकाउंट को मैं ओपन करता हूँ और इसे मैं क्लिक करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जो है लिखता हूँ फॉलो मी इन ट्विटर, फॉलो मी इन ट्विटर। ओके, उसके बाद मैं इसको जो लिंक है वो मैं दे देता हूँ। ओके, तीन हो गए। अब मैं इसमें अपने फेसबुक का जो लिंक है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। पहले मैंने उसमें जो अपने फेसबुक के पेज का जो लिंक डाला था, अब इसमें मैं अपनी जो आईडी है उसका लिंक देता हूँ। ओके, और इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। ओके, जॉइन अस ऑन फेसबुक और इसका लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद मोनेटाइजेशन आपने ऑन करनी है, अगर ऑलरेडी आपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ऑन की हुई है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपने क्या करना होगा कि ये जो है इसे कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप कम से कम 250 अल्फाजों का जो है डिस्क्रिप्शन आपने देनी है। मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल एम एस सी फाइल ऑन विंडोज 7 एंड 8 उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
ओके, तो आप ऐसा कुछ जो डिस्क्रिप्शन में लिखें, और लिखने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो लिंक दिया हुआ है इधर, ये आप योर वीडियो विल बी लाइव एट, इस लिंक पे आपकी वीडियो दिखाई जाएगी। आपने इस लिंक को कॉपी करना है, कॉपी, और कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में 4-5 बार पेस्ट कर दें, 2 3 4 5 6 7, ओके, जितनी बार आप करना चाहें, 1 2 3 4 5 जो आप करना चाहें। और इसमें टैग्स में भी आप एक बार ज़रूर जो है आपकी वीडियो का जो लिंक है उसमें पेस्ट कर दें। इसका थंबनेल आप अगर कोशिश करें कि आप अपने जो थंबनेल हैं वो आप खुद क्रिएट करें एडोब फोटोशॉप पे या किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसके बाद टैग्स में आप अच्छे अच्छे टैग्स जो है वो आप इसमें डालें। यानी कि मैं कोई ऐसी फाइल देखता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यूट्यूब पे ही सर्च करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं इसे सर्च करता हूँ, ओके, तो ये मैंने इधर लिखा और यूट्यूब ने इसकी जो रिजल्ट शो करेंगे के। ओके, इससे जो ऊपर एक दी है इनने, हाउ टू इंस्टॉल एमएसआई फाइल ऑन विंडोज 7 एंड 8, ओके, तो ये लिखा सब आ रहा है। आपने कुछ इसमें से कॉपी करने हैं, ओके, तो ये आपने इसे कॉपी करना है। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो भी खैर है, आप इसे छोड़ दें, चलो यही है। अब आपने क्या करना है, ऊपर इनमें से टैग सिलेक्ट करने हैं, यानी कि हाउ टू और हाउ टू इंस्टॉल इंस्टॉल आई एम एस आई फाइल और ये भी आप कॉपी करके टेक्स्ट में लगा लें, ओके, और फिर आप लिखें कि हाउ टू इंस्टॉल एम एस आई फाइल्स उर्दू हिंदी उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल, ओके, तो आप इस तरह से अपनी जो है टेक्स्ट अच्छे सेलेक्ट करें। और टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप इसे जो है पब्लिश कर दें। मैंने अनलिस्टेड किया हुआ है, मैं इसे पब्लिक भी कर देता हूँ। और अपने कोशिश करें कि आप जो अपनी वीडियोस है, अगर आपके पास कोई ब्लॉग वगैरह है या आपकी अपनी वेबसाइट वगैरह है, आप फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे लिंक का शेयर करें, ताकि इससे भी ज़्यादा आपकी जो है व्यूज़ मिलेंगे, और पब्लिश कर दें, ओके, पब्लिश हो गया। अब मैं इसे एक अपने ब्लॉग पे शेयर करता हूँ, पॉपअप विंडो ओपन होगी और ब्लॉगर जो है वो ओपन होगा, मैं
नेट थोड़ा स्लो है इसलिए वेटिंग करवा रहा है। ओके, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बन गई है क्या यार। ओके, तो ये ओपन हो गया है, अब इसे मैं थोड़ी सेटिंग करता हूँ और इसे पब्लिश कर देता हूँ। इसे पब्लिश पोस्ट कर देता हूँ। अब ये जो है मेरे ब्लॉग पे भी जो वीडियो है वो जा चुकी है और अब मैं फेसबुक पे भी कर देता हूँ इसको। आप कोशिश करें कि एक पेज बना लें अपने लिए, आपके जो यूट्यूब का चैनल है उससे रिलेटिव कोई पेज बना लें ताकि जो आपकी वीडियो होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक होगी। ओके, तो अब ये वीडियो है वो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुकी है। ओके, तो अब मैं इसे जो है सर्च करता हूँ, ठीक है, इस वीडियो के टाइटल को उधर सर्च बार में, इसमें मैं जो है ये लिंक जो है जो नेम है इसका वीडियो का वो इसमें पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इसे सर्च करता हूँ। अब आप देखें कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है मेरी वीडियो रैंक हो गई है। कोई भी ऐसी तलाशिंग में निकलेगा, कोई चीज़ ऐसी ढूंढेगा कि MSI फाइल को मैं विंडोज 7 या 8 में कैसे इंस्टॉल करूं, अगर कोई लिखेगा हिंदी में तो भी मेरी वीडियो आ जाएगी, अगर कोई उर्दू में लिखेगा तो भी मेरी वीडियो आ जाएगी, यानी कि रैंक होने के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आपकी वीडियो जो है सर्च में अच्छी आती है तो वो वीडियो ज़ाहरी तौर पे जो सर्च करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे अगर आपकी वीडियो आती है तो ज़ाहरी तौर पे जो दो सर्चिंग वाले होते हैं वो आपकी वीडियो पे ही क्लिक करेंगे और इससे आपकी वीडियोस पे व्यूज़ मिलेंगे और आपकी वीडियो जो है वो रैंक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान। We'll be right back.